नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। तो आइए बने रहे हमारे साथ एक नए गंतव्य स्थान पर। ऐसे ईश्वर प्रेमी लोग हैं जो ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध पाने और आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा एक दिव्य मंदिर की तलाश में रहते हैं। यदि आप ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक आदर्श मंदिर लेकर आए हैं, जहां आपको आशीर्वाद के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए एक शांत वातावरण और एक शुद्ध स्थान मिलेगा। जगन्नाथ मंदिर, जो कि स्थित है डिब्रूगढ़ आसाम में, ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है। मंदिर की वास्तुकला लाल पत्थर से की गई शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके लिए हम ऐसे आध्यात्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थान आपको हमेशा दिखा सके। यह मंदिर डिब्रूगढ़ शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। स्थानीय और दुनिया भर से कई भक्त और आगंतुक नियमित रूप से मंदिर में आते हैं। यह मंदिर मुख्यतः भगवान जगन्नाथ के अनुयायियों को आकर्षित करता है। इसके अलावा अन्य देवी देवताओं के मंदिर के परिसर में बने हुए हैं, इसलिए सप्ताह के शनिवार और रविवार को काफ़ी भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा यह शादी समारोह और धार्मिक कार्यक्रम के हॉल होने के कारण कुछ ना कुछ प्रोग्राम के लिए भीड़ लगी रहती है। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां लोग मन की शांति पाने और भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए एक शांत जगह पर रहने के लिए आते हैं। मंदिर बहुत शांत है, जो पूरे वातावरण को अपने भक्तों और आगंतुकों के लिए बहुत सुखद बनाता है। अपनी स्थापत्य कला के अनुसार यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बाद भारत का दूसरा मूल मंदिर है। इसकी ऊंचाई 85 फीट है। यह मंदिर का निर्माण श्री श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक संस्था के द्वारा किया गया है। इस मंदिर का स्वरूप मनमोहक है और इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्थापत्य दीवारें लाल पत्थर में शिल्पकला के साथ दीवार पर मूर्ति की पेंटिंग वास्तव में अद्भुत है। मंदिर के चारों ओर हरे भरे चाय बागान के बागान है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस मंदिर का पूरा वातावरण काफी शांत है। मंदिर के कर्मचारी इसका अच्छे से रखरखाव रखते हैं। जगन्नाथ मंदिर डिब्रूगढ़ के क्षेत्र के अंदर 7 मंदिर है। इनमें मुख्य मंदिर भगवान जगन्नाथ का है और बाकी मंदिर अन्य देवी देवताओं के हैं। मंदिर परिसर बहुत ही साफ सुथरा है। यह मंदिर घूमने के लिए एक सुरक्षित स्थान, कई भक्त और आगंतुक नियमित रूप से मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर प्रतिदिन खुला रहता है, पर्यटक कभी भी आ सकते हैं। अच्छा समय सर्दियों के दौरान यानी अक्टूबर से मार्च तक है। उस दौरान मौसम सुहावना रहता है।
और घूमने का सही समय है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में एक आभूषण युक्त मंच पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां विराजमान है। ओडिशा के मूल मंदिर के अनुरूप इस मंदिर के हिंदुओं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के अनुयायियों को और विश्वासियों के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में उभरने की उम्मीद है। पौराणिक आधार के बिना, जिस पर सदियों पहले पुरी में अधिरचना का निर्माण हुआ था, असम सरकार द्वारा पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर देने के अलावा मंदिर को विश्वासियों की आध्यात्मिक चेतना में शामिल होने के लिए अथक आस्था और भक्तिपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी। विश्वासियों के लिए यह स्थान अदृश्य परमात्मा के साथ मिलन का एक क्षेत्र है और दीपक जलाने की गर्मी और धूप की सुगंध से सभी तरह से परिसर समृद्ध होता है। इस मंदिर में शाम ढलते ही और ही सुंदर और मनमोहक वातावरण दिखने लगता है। इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको यह सुंदर मनमोहक दृश्य सामने दिखाई देगा। इसलिए आपसे विनंती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। बहुत सुंदर और अद्भुत रोशनाई मंदिर व्यवस्थापन की तरफ से चारों ओर लगाई हुई है, उससे मंदिर परिसर उजाले में नहाता हुआ आपको दिखाई देगा और इस परिसर को ना छोड़ने का दिल आपका करेगा और आपको यहाँ पर आने से एक अलौकिक शांति मन को प्राप्त होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये विद्युत रोशनाई चारों ओर की गई है, इससे मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये था जगन्नाथ डिब्रूगढ़ मंदिर का विहंगम दृश्य। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।